कैसे हैं आप लोग? आई होप फिलहाल अच्छे ही होंगे दोस्तों आप लोग, और अच्छे होना भी चाहिए। आज है मंगलवार, आज हम बना रहे हैं केक। अभी लगाएंगे इसका भोग। किस किस को प्रसाद खाना है कमेंट में आके बताइए। और मुझे भी खीर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि खीर का भोग लगा दिया जाए, और फिर प्रसाद में तो कुछ मीठा ही होना चाहिए, तो हलवा होना चाहिए या खीर होना चाहिए। तो हर मंगलवार को हलवा या खीर ही चढ़ाते हैं हम, तो इसीलिए आज हम खीर कर रहे हैं। अगले मंगलवार को हलवा किया था सूजी और बेसन का। तो किस किस को खीर पसंद है कमेंट में बताइए, और सपोर्ट कीजिए मुझे। फिलहाल जैसे अभी तक मेरा साथ देते चले आए हैं, वैसे ही आगे और मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस, आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ अभी तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए आप लोग भी मुझे भी सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और उसके बाद में किस किस को खीर खाना है वो मुझे कमेंट में बताइए जल्दी, क्योंकि मुझे खीर बहुत पसंद है। इसलिए मैं आप लोग का भी राय लेना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आप लोग को भी पसंद है या नहीं। इसलिए और चाय भी बन रही है, उधर हो चुकी है पूरी तरह से, अब थोड़ा और पक जाए फिर बंद करते हैं चाय को। और फिर किस किस को खीर खाना ये बताएं। मैं 3 बार पूछ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये स्लिप पे बैठी भी हूँ और बना भी रही हूँ, दोनों काम एक साथ साथ हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस आप ज़रूर बताइए कमेंट में एक बार, और मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कमेंट एंड लाइक। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरा भी साथ ऐसे ही आगे देती जाइए और मेरे साथ बने रहिए। आप लोग के वजह से ही आज मेरा कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत हो चुके हैं। तो इसलिए आप ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट कीजिए, फिर हम तो आपके साथ है ही हैं। बट प्लीज़ दोस्तों एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर, चाहे 2 ही मिनट का टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए, 2 मिनट ही आप देख लोगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए और इसी बात पे अभी हम सबको खिला रहे हैं खीर। खीर तो एकदम पक रही है, बस थोड़ा सा और हो जाए तो इसलिए। और चाय तो पूरी तरह से पक चुकी है, खीर भी पक चुकी है, अब दोनों चीज़ हो चुके हैं, अब दोनों को बंद करते हैं हम। तो किसको चाय पीना है, किसको खीर खाना है ये बताइए मुझे कमेंट में, प्लीज़ गाइस। आपका सपोर्ट ही होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, प्लीज़। खीर भी एकदम से रेडी हो रही है, बस 5 मिनट में एकदम रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने सब कुछ डाल के एक साथ ही चढ़ा दिया है, और इधर चाय एकदम उबल के पूरा कलर आ गया है इसमें। जब एकदम कलर आ जाता है तभी पीने में मज़ा आता है, टेस्ट अलग हो जाता है। तो इधर खीर भी एकदम से हो रही है, और इधर चाय भी। तो किसको चाय पीना है, किसको खीर खाना है, प्लीज़ गाइस आप कमेंट में ज़रूर एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्लीज़ गाइस। के एकदम रेडी हो चुकी है, अब हम ले जा रहे हैं भोग के लिए, और ये 4 जगह निकाला है तो इसलिए अब भोग लगाएंगे। बैठे हैं भगवान जी और मैंने लगा दिए भोग, और अब ये पालें फिर हम लोग भी पाएं। इसलिए किस किस को प्रसाद चाहिए।